नहीं पहनने वाले लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो पुलिस आपको चालान नहीं काटेगी बल्कि सीधा गोली मार देगी। जहानाबाद से जुड़ा हुआ ताजा मामला है, जहां ओकरी में एक युवक को हेलमेट न पहनना भारी पड़ गया और दारोगा ने गोली मार दी। स्थिति गंभीर है और उस दारोगा को भी जहानाबाद एसपी ने गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। पूरे मामले को लेकर हम अभी बात करने वाले हैं, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं अजीत कुमार, और जानना चाहते हैं और लोग भी जानना चाहते हैं अजीत जी कि आखिर क्या पूरा मामला है, क्यों उस युवक को गोली मार दिया गया। देखिए, सुनने में ये खबर बहुत उठपटांग लग रही है कि हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पे पुलिस गोली चला दे रही है, लेकिन ये घटना सही घटना है और घटित हुई है ओकरी ओपी क्षेत्र के अनतपुर एक गाँव है, जहाँ पुलिस कल वाहन चेकिंग लगाए हुए थी। मैमा कोर्थू निवासी एक सुधीर नाम का नवयुवक लड़का, जिसकी उम्र महज 22-23 वर्ष होगी, वो अपने मोटरसाइकिल से जा रहा था बंधुगंज बाजार अपने घर से, लेकिन वो जैसे ही पुलिस की वाहन जीप जब देखी कि लगी हुई है और पुलिस जो है वो चेकिंग कर रहा है, मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान लगाए हुए रोड पे, तो उसके पास न हेलमेट था न ड्राइविंग लाइसेंस था। इस बात से वो डर कर पुलिस से भागना चाहा, पुलिस ने उसका रुकवाया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। इस बात से आक्रोशित होकर जो गश्ती में जो पेट्रोलिंग में जो पुलिस थे, मुमताज अहमद जो कि वहीं ओकरी थाना में पदस्थापित है, एएसआई हैं, उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से लड़के को गोली मार दिया। उसके बावजूद भी लड़का घटनास्थल पर नहीं गिरा और जो है वो मोटरसाइकिल तेजी से भाग गया। हालांकि पुलिस भी उसका पीछा किया, लेकिन पुलिस की वो पकड़ से तब तक दूर जा चुका था। कुछ दूर जाने के बाद लड़का अनबैलेंस होकर अनियंत्रित होकर, चूंकि उसको गोली लगा हुआ था, तो वो गिर गया। स्थानीय लोगों ने जब देखा कि एक लड़का गिरा हुआ है तो उसको इलाज के लिए निजी अस्पताल में ले गया, चूंकि लड़का लोकल था, उसके परिजनों को सूचना दिया गया, तब उसको परिजन आकर जो है वो नालंदा के एक निजी अस्पताल में इलाज करवाए। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी बात है कि वो लड़का की स्थिति जो है वो नाजुक बना हुआ है, आईसीयू में है और बेहोशी हालत में। हालांकि गोली जो है वो डॉक्टर की टीम ने निकाल दिया है, लेकिन फिर भी अभी लड़का जो है वो बहुत ठीक नहीं कह सकते हैं, हाँ जूझ रहा है। जैसे ही इस बात की जानकारी एसपी को होती है, एसपी तुरंत घटनास्थल पर सर्किल इंस्पेक्टर घोसी के और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार पांडे को घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण करने कहते हैं। जांच क्रम में ये बात सामने आती है कि सही में पुलिस ने ही गोली चलाया है। लड़का के जो पिता हैं रविंदर जी, जो कि मैमा कोर्थू निवासी हैं, उनका भी आरोप है कि गोली जो है वो मारने वाला ओकरी थाना की पुलिस है। हालांकि वो आरोप लगा रहे थानेदार पर, लेकिन एसपी का जो अनुसंधान आया है, एसपी ने जो अपने अनुसंधान में दिया है कि नहीं, गोली चलाने वाला जो दरोगा है मुमताज अहमद वो है। हालांकि घटनास्थल पे थानेदार जरूर थे, लेकिन अब वो जांच चल रही है कि उस मामले में थानेदार चंद्रहास कुमार जो हैं वो कितना दोषी हैं, क्या उनके आदेश पर गोली चलाया गया है, या जिस समय गोली चला रहे थे वो वहीं मौजूद थे, किस परिस्थिति में गोली चलाया गया है। तो हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के वजह से कोई गोली मार दे, ये बहुत बड़ी घटना हो जाती है, और जो कि घटना जहानाबाद में घटी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अजीत जी, जिस तरीके से सुनने में ये बात आ रहा है कि गोली एक पुलिस वाला मार देता है, दरोगा मार देता है, जिम्मेवार व्यक्ति मार देता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस अगर अनबैलेंस हो जाएगी, वो अपना कर्तव्य नहीं समझेगी, तो ऐसे तो किसी को रास्ते चलते गोली मार दिया जाएगा? देखिए, वास्तविक बात है, हालांकि जहानाबाद एसपी दीपक रंजन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया है कि वो जो दरोगा जो जिन्होंने गोली मारा है मुमताज अहमद, वो कुछ पहले से भी इस तरह की घटना करते हैं, पहले भी वो अपने सर्विस रिवॉल्वर से फायर किया करते थे। ये अलग बात है कि अभी तक वो पुलिस के या वरीय पदाधिकारी के ट्रेस में ये बात नहीं आई, इस बार वो ट्रेस में आया, पुलिस ने जांच किया, वो दोषी पाए गए और वो गिरफ्तार करके जेल चले गए। आज की घटना बता रहा है कि पुलिस ने उनको हिरासत में रात में ही ले लिया था, और उसके बाद जो है वो आज कोर्ट के सामने पेश किए, जिसके बाद जो है वो कोर्ट के द्वारा जो है वो मंडल कारा काको जेल में भेज दिया गया। उसके बाद जहानाबाद एसपी ने थानेदार जो चंद्रहास कुमार हैं उनको सस्पेंड कर दिए हैं, और जो जिस समय गश्ती गाड़ी में जो वाहन चेकिंग में जो जो पुलिस पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे, सिपाही थे, हवलदार थे, सब लोगों को सस्पेंड कर दिया, यानी पूरा टीम को सस्पेंड कर दिया है उन्होंने। अजीत जी, एक बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि ऐसी घटना पहले भी होती रही है, मतलब वो दरोगा कम गुंडा ज्यादा था?
देखिए उसको इनडायरेक्ट रूप में आप ये बात आप जरूर कह सकते हैं कि भाई सर्विस रिवॉल्वर से वो पहले भी गोली चलाए हैं, ये बात भी कहीं असत्य नहीं है, इस बात में भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, इस मामले में वरीय पदाधिकारी को पहले जानकारी नहीं हो पाई, या फिर जानकारी होने के बाद उस तरह का इविडेंस नहीं मिल पाया। लेकिन जिस समय ये कार्रवाई अगर पहली बार हो जाती तो शायद आज ये नौबत नहीं आता कि जो लड़का आज हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से जूझ रहा है वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। अजीत जी, एक चीज रोकना चाहेंगे, आप बहुत करीब से इस खबर को कवर कर रहे हैं, वो लड़का क्या उसका आपराधिक इतिहास रहा है जिसके वजह से पुलिस गोली चला देती है उसके जिंदगी और मौत का परवाह किए बगैर? नहीं, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अगर आपराधिक इतिहास रहता तो अभी 24 घंटा से ज्यादा इस घटना को घटे हुए समय बीत गया है, पुलिस सामने ला देती बात को। अभी तक जहां तक हमको जानकारी है कि वो लड़का का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा, अभी तक वो जेल भी नहीं कभी एक बार भी गया है। तो आपराधिक इतिहास है या नहीं है ये पुलिस का काम है, और अगर रहता तो अब तक पुलिस निश्चित है कि अनुसंधान में ये बात ले आती। और अगर उस तरह की कोई घटना होती भी तो भाई पुलिस उसको सामने लाए कि किस परिस्थिति में उन्होंने गोली चलाया। लेकिन पुलिस भी ये बात मान रही है कि वाहन चेकिंग के दौरान जब रुकाया गया लड़का को तो वो लड़का नहीं रुका, और नहीं रुकने के बाद जो है वो वहाँ जो तैनात थे मुमताज अहमद जो कि गिरफ्तार होकर जेल गए हैं, उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दिया। इन सब चीज़ों के पीछे आपको क्या लगता है, किस तरीके का जो है हनक दिखाना या फिर इन सब चीजों के पीछे क्या जो देखिए सब ये घटना जो है वो निश्चित है कि ये पुलिस के लिए अच्छी सूचना तो नहीं है। इसका मैसेज पुलिस के प्रति लोगों का जो अब विश्वास जगा है, पुलिस कम्युनिटी के तहत जो हमारे बिहार सरकार या डीजीपी बराबर ये संदेश देना चाहते हैं कि एसपी भी कहते हैं हाँ कि पुलिस पब्लिक फ्रेंडली होते जा रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटना से तो निश्चित एक बार पुलिसिया का जो वर्दी जो हमेशा बिहार पुलिस दागदार रहती है अपने कारनामों के लिए, तो ये भी उसी तरह की घटना है कि इसमें एक बार फिर से बिहार पुलिस की वर्दी दागदार हुई है कि आप हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने के बाद नहीं है, ठीक है आप फाइन कर दीजिए चला कर दीजिए, लेकिन किसी को गोली नहीं मार दीजिएगा। यह शुक्र है कि अभी तक वो लड़का जीवित है। अगर खुदा न खास्ते उस लड़का के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती तब बताइए कि फिर पुलिस के पास क्या जवाब होती है। अभी उसकी स्थिति गंभीर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम लोग ये मनाएंगे, पुत्र है मतलब कि उस घर का चिराग ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम लोग की पूरी सहानुभूति ईश्वरीय कृपा रहे कि नहीं वो लड़का सुरक्षित रहे सेफ रहे। लेकिन इस तरह की घटना के बाद स्वाभाविक बात है कि पुलिस के प्रति जो लोगों का आम लोगों का जो नजरिया है कि पुलिस पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए, लोगों से घुल मिल के रहना चाहिए, तो ये तो एक दहशत है, डर है, भय पैदा लोगों के दिल में फिर से होगा कि नहीं भाई पुलिस इतना ये है कि अब वो गोली मार देता है, तो ये पुलिस के लिए अच्छे मैसेज नहीं है। और जहानाबाद पुलिस खास करके ओकरी ओपी की पुलिस एक बार फिर से जो है वो बिहार पुलिस के चेहरा को वर्दी को दागदार किया है। अभी से कुछ देर पहले जहानाबाद एसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, क्या कहना था एसपी साहब का? देखिए एसपी साहब का यही है कि भाई हमको जैसे ही इसकी सूचना मिली हम खुद अपने सीनियर पदाधिकारी को घटनास्थल पर भेजे, हालांकि देर रात तक एसपी ओकरी ओपी में बैठे रहे, एक एक बिंदु पे उन्होंने अनुसंधान किया है, सभी लोगों से अलग अलग ढंग से क्रॉस चेक किया है, और उसी के बाद ये निर्णय लिया गया कि नहीं ये मुमताज अहमद ही दोषी हैं। और रात में ही एसपी जो है उनको हिरासत में लेकर रात भर जो है वो उससे पूछताछ किए हैं, और उसके बाद सुबह में उनको जेल भेज दिए हैं, और बाकी लोगों का जो है वो एसपी एसडीपीओ के जो जांच रिपोर्ट आया है उस जांच रिपोर्ट को देखते हुए दोषी पाते हुए सभी लोगों को सस्पेंड कर दिया है। अजीत जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से इनकी घटना पहले भी राइफल से अपने गोली से चलाते रहे हैं वो घटना और भी, या फिर ऐसे गतिविधि में जितने थानेदार हैं दरोगा हैं उन लोगों पर जांच होनी चाहिए कि कितने लोग अपना हनक बनाना चाहते हैं? देखिए अब जो पुलिस महकमे से बात जो निकल के आ रही है कि भाई ऐसे लोगों को जो कि अपने सर्विस रिवॉल्वर का ड्यूटी के समय में या किसी भी समय में अगर मिसयूज करते हैं दुरुपयोग करते हैं तो ऐसे लोगों पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सर्विस रिवॉल्वर मिलना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी वही चीज़ हम बता रहे हैं कि अगर इस बात का संज्ञान वरीय पदाधिकारी पहले लिए हुए रहते हो सकता है कि उन्हें सर्विस रिवॉल्वर नहीं दिया रहता, या फिर पहली बार जिस तरह की उन्होंने इस तरह की घटना घटी थी उस समय ही कोई कार्रवाई कर दी जाती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, आप समय निकाले तो ये हमारे साथ अजीत कुमार थे जिनका जो है साफ कहना था कि जहानाबाद पुलिस इस घटना के बाद दागदार हुई है, वर्दी पर एक बार फिर से दाग लगा है। और जरा आप सोचिए कि अगर कोई लड़का बाइक से जा रहा है उसके पास हेलमेट नहीं है लाइसेंस नहीं है तो पुलिस चालान काटने के बजाय उसे गोली मार देती है।
मान लीजिए कुछ समय के लिए कि वो लड़का भागने का प्रयास कर रहा था तो गोली चलाने का आदेश किसने दिया? आखिर एक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है? जहानाबाद में ही कई ऐसे गुंडे पनपते हैं जिन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है। लेकिन एक घर के इंसान लड़के को सिर्फ और सिर्फ हेलमेट और लाइसेंस के न रहने पर गोली मार देना कितना शर्म की बात है। जहानाबाद एसपी को भी इस पर विचार करना चाहिए और ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।